अस्सलाम वालेकुम जी। तनवीर साहब के पास आए हैं, बहुत ही प्यारा मुर्गियों का सेटअप इन्होंने बनाया हुआ है। अरसा 8 साल से ही मुर्गी फार्मिंग कर रहे हैं और कामयाब मुर्गी फार्मर हैं। बहुत से फार्मर अपने अपने फार्मों को ताले लगाकर चलते बने, लेकिन ये आज भी कामयाब मुर्गी फार्मिंग कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, पाकिस्तान में महंगाई का बहरान चल रहा है। हर बंदा चाहता है कोई साइड बिजनेस कर लूं, कोई साइड बिजनेस ऐसा करूं कि घर में ही रहूं, अपनी चार दीवारी में रहूं, खुद ना करूं, काम पे चला जाऊं, मेरी बीवी ही कर ले, मेरी माँ कर ले। तो इनसे आज इस मुर्गियों के सेटअप में बैठकर इनसे बिजनेस आइडिया हासिल करेंगे कि किस तरह से आप लोग भी घर में बैठकर इनकी तरह, बड़ा तो नहीं, छोटा सा मुर्गियों का सेटअप बना के कोई महीने का 20-30 हजार या 50 हजार या लाख कमा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। तनवीर भाई, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि मैंने आपकी ये जो मुर्गियां देखी है ना, इनमें यार मुझे कोई मुर्गा नहीं नजर आया, इस सल्तनत का कोई बादशाह नहीं नजर आ रहा, तो ये क्या रीजन है, मुर्गे कहाँ हैं? सुनैन भाई, मुर्गा जो होता है ना वो फर्टाइल के लिए, समझ लेंगे, अंडा जो फर्टाइल करना होता है ना उसमें उसका जो कर मुख्तार कह लेंगे वो होता है। अंडा तो मुर्गी देती रहती है, जब हमने इसके अंडे फर्टाइल करवाने होंगे तो मुर्गा छोड़ लेंगे। मुर्गा, उन्हें कहा मुर्गा अंडा नहीं देता, मुर्गी अंडा देती है। मुर्गा फीड भी समझ लेंगे 150 ग्राम फीड लेता है और अंडा भी नहीं देता, और मुर्गी को भी खराब करता है। इसके देखे ना कितनी शाइनिंग है। हाँ जी, अगर इसके अंदर मुर्गा होता तो इसने कलगी से पकड़ के इसके ऊपर बैठ के क्रॉस करना था, इसके आगे की शाइनिंग भी उड़ा देनी थी और पीछे की भी उड़ा देनी थी। अच्छा, तो मुर्गी फिर अंडा कैसे देती है अगर मुर्गा नहीं है? मुर्गी का कोई मुर्गे के साथ तलग नहीं है कि मुर्गा, अक्सर लोग सवाल करते हैं हमें भी कि मुर्गे के बगैर मुर्गी अंडा दे लेगी। भाई जान, पता नहीं किसने लोगों के जहन में बात बैठा दी है कि मुर्गा ही हो तो मुर्गी अंडा देती है। मुर्गी तो देखे एक कुदरती तौर पर अमल है मुर्गी का, वो मुर्गा हो या ना हो, फीड डालें या ना डालें, बाहर चाहे मुर्गी को छोड़ दें, उसका टाइम पीरियड जब पूरा हो जाता है मुर्गी ने अंडा देना ही देना है, कुदरती अमल है ना, कुदरती सर्कल है। यानी कि मुर्गा हो या ना हो, मुर्गी अंडा देगी ही देगी। बिल्कुल देगी देगी, सिर्फ मुर्गे का इतना का बीच में वो कहते हैं कि काम है कि वो अंडे को फर्टाइल तुखम होता है ना, जब मुर्गा मुर्गी के साथ क्रॉस करता है तो वो फर्टाइलिटी आ जाती है, और फर्टाइलिटी जब अंडे के अंदर आती है ना, उसके बाद अंडे की लिमिट कम हो जाती है। ठीक, इतने इतने बड़े फार्म पे जाएंगे, अब उन्होंने मुर्गे नहीं रखे, क्यों नहीं रखे कि जब मुर्गा क्रॉस करता है तो उसके अंदर खून का एक छोटा सा नाक से होता है ना, होता है खून का टिमकना सा अंदर होता है, तो वो क्रॉस की वजह से आता है। सही, यानी कि वो तुखम उसके अंदर जाता है तो वो बच्चा बनने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। बिल्कुल, वो फिर इसके अंडे की हम अंडा भी दुकानदारों को सेल कर रहे हैं तो वो फिर उसकी टाइमली पीरियड कम हो जाता है। अच्छा तनवीर भाई, आपकी ये मुर्गियां जो है डेली कितनी फीड खाती हैं, और उसके बदले आज महंगाई के दौर में ये किस तरह आपको प्रॉफिट दे रही हैं, कितने अंडे दे देती हैं और अंडा कितने का बेच रहे हैं आप? सुनैन भाई, वो फीड वाली और अंडों वाली बात है, उन्हें का दूध पुत सवारी ते बचत वो होंगी है मुकदरा दी। इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको वो बताऊंगा कि जो मेरे साथ मुझे बचत हो रही है या नहीं हो रही, देखिए कोई बंदा मुझे देख के करता है। पहले भी मैंने बिजनेस नहीं करवाया लोगों को, लोगों ने खुद किया, मैं सिर्फ अपना जो कर रहा हूँ उसका आइडिया दूंगा। मेरे पास देखे 200 मुर्गी है, मैं इनको अच्छा डालता हूँ, ये नहीं करता है, देखिए नीचे तो आप इसकी देखेंगे, इतनी इतनी मैंने तो डाली हुई है कि सर्दी ना लगे। सही, बाहर से सारी को कवर किया हुआ है, इस साइड से सारी को कवर किया हुआ है, साथ में परली साइड जो फार्म मेरा फारग है वहां पे मवेशी बांध दूंगे, रात को हीट मिले इनको, इनको वो ये हीट होती है ना एक जो हीटर वगैरह लगा के, वो हीट नहीं मत नहीं, माशाल्लाह यहाँ पे वाकई हीट है, वो कुदरती हीट इसको चाहिए होती है। फिर ये बांस लगाए हुए हैं, मुर्गी इधर बांसों पे बैठती है, ठीक है, इस वजह से जब यकदम प्रोडक्शन मुर्गी किस वक्त कराती है, जब स्ट्रेस में आती है, स्ट्रेस में कब आती है, जब आप यकदम अंदर आते हैं अफरा तफरी मचा देते हैं, मुर्गी कोई इधर बज रही है, उधर बज रही है, यानी प्रोडक्शन से रहे, प्रोडक्शन डाउन हो जाएगी। फिर आप देखें, आप कह रहे हैं मैं आस्ट्रोलोप ले ली है, वो भाई जान आप नीली रावी की भैंस ले आए, उसको जब आपने वंडा ही नहीं डालना है, उसकी जो उधर प्रोसीजर उसका पूरा नहीं, आपने फीडिंग पूरी नहीं देनी, उसने भी आपको आम लोकल भैंस जितना दूध देना है, मुर्गी आपके पास जो मर्जी है, आपका काम है उसको मौसम देना, फीड देना, वो आपका काम है, फिर आगे से मुर्गी का शुरू हो जाता है। जैसे हमारे इंसानों के बच्चे पैदा होते हैं तो हम उनको भी कवर करके रखते हैं, संभाल दे, केयर करते हैं, बिल्कुल, फिर उसका काम शुरू हो जाता है अंडा देने का। अभी मेरे पास 160-170 अंडा आ रहा है और मैं ऑनलाइन क्यों नहीं आना चाह रहा था, सर दर्द अंडा दे दिया, को दो टूट गए रास्ते में, वो यार बंदा ही बेईमान है, किसी को चूजे अपनी गलती की वजह से निकले, बंदा बेईमान है। चलो जी, आप दुकानदारों को दे रहे हैं ना सर दर्दी नहीं ना, इधर आते भी हैं, ढेर तरले भी करते हैं और फिर अंडा देते हैं। आम कस्टमर जो मेरे पास आता है 50 रुपए का अनफर्टाइल अंडा दे रहा हूँ,
मुर्गा फीड भी ज्यादा खाता है मेरी मुर्गी समझ लेंगे, जब साल बाद या जब भी मैं सेल करता हूँ मुर्गी की तबाह की होती है उसने, सिर्फ क्या कस्टमर खुश हो जाए। अभी 40 रुपए का 37 रुपए का दुकानदार को अंडा दे रहा हूँ, और जिसे कहते हैं ना डंके की चोट पे। अच्छा 40 रुपए का जो अंडा आप सेल करते हैं वो कितने का आपको पड़ता है, मुर्गी कितने दाना खाती है? यार देखे ना, एक मुर्गी मेरे पास अब खुद जो बैठे होते हैं ना, कैलकुलेटर की गिनती बिल्कुल सही नहीं होती, मैं मेरी कैलकुलेटर की गिनती हो रहा है, और बंदा वो करेगा वो और होगी। मैं इसको पालक भी डालता हूँ, देखे मैं सब्जा डाल रहा हूँ, मेरा फ्रीक है ये, आपने स्टाला इनको हाँ जी, ये भैंसों का मेरा ये चल जाता है। अब नया बंदा ले गया उसको एक्सपेंसिव पड़ेगा उसको, ये बीच में मुझे बड़ा भी पड़ता होगा, 15 रुपए का अंडा पड़ता है। मुर्गी मेरी की भी कीमत माशाल्लाह है, वहाँ पे वही है, और अंडे की भी मुझे बचत आ रही है अल्लाह का शुक्र। अभी रोज का 170-160 अंडा बनता है, यानी 25 रुपए एक अंडे पे बचत आ रही है। मैं अल्लाह का शुक्र है कमा रहा, इसीलिए दुकानों वालों को जब देंगे वो भी 40 रुपए का लेंगे या वो कितने का ले लेते हैं? वो तो भाई जान देखे ना, एक दुकानदार बैठा मेरे से 40 का लेगा, 40 का बेचेगा उसको क्या घंटा बचना है, यानी मेरे से 37 का लेगा तो वो 50 का बेचेगा तो उसको बचेगा ना। ठीक है, मेरे पास डायरेक्ट देखे ना, एक होता है बीच में बंदा, तीसरा बंदा उसके पास जाएंगे तो उसने भी तो बचत लेनी है ना। मेरे पास जो डायरेक्ट आएगा 50 का देता हूँ, अभी आप पूरे इलाके में लोगों को पता, अल्लाह का शुक्र है कस्टमर टूर ही रहता है, यानी गांव के लोग ही ले जाते हैं, ले गांव के क्या, दूर दूर सिटियों से लोग आके ले जाते हैं। राणा साहब, हमारा आपके पास आने का मकसद ये था कि लोग इसको उन बातों को छोड़ दें कि हमने जी इसकी ब्रीड आस्ट्रोलॉफ की बेचनी है, ब्रीड इसकी इसका बच्चा बेचें, ये करें वो करें, वो तो एक बात अलग है, जिसने करना हो वो तय करें, लेकिन एक बिजनेस आइडिया जी, सर्दियों में तो इसको अंडा बेच लें, गर्मियों में क्या करेंगे? वो तो अंडे तो चले हमारे सर्दियों में पैसे पूरे हो गए, गर्मियों में जब कमाई का टाइम शुरू होता है तो अंडा नहीं बिकता, फिर हम क्या करें भैया? पहली बात तो यह देखें, जो पूरी सर्दियां अंडा बेचता है ना, अभी लोग जा रहे हैं नेचुरल की तरफ, बहुत से लोग कस्टमर आपके बन जाएंगे जो गर्मियों में पसंद करते हैं यार सानू ना अंडा लब्बे देसी अंडा मिल जाए, बहुत से वही पक्के कस्टमर आपके चलते रहे। हाँ जी हाँ जी, अगर आपका नहीं होता, आप चाहते हैं गर्मियों में नहीं करना चाहता, अब मार्च में जाके मुर्गी सेल कर रहे हैं अपनी, बिल्कुल आसान तरीका है, उसके बाद आप फिर चूजा डाल रहे हैं मार्च में, आपकी फिर जाके वो नामी के अगर अंडों में से बच्चे निकलवा ले बंदा, वही बता रहा हूँ ना आपको कि हर बंदे की अलग अलग तरतीब होती है, एक जिसका मार्च तक करना कर ले, उसके बाद मुर्गी सेल कर दे। यानी मेरे आपके कहने का मकसद जो मुझे समझ आ रहा है कि जो आपने मुर्गियां ये रखी हुई है, जब ये सर्दियों में अंडा आप ले लेते हैं, इन्हीं के अंडे जो आएंगे वो साथ चंद मुर्गे लाए, मुर्गे छोड़े, वो इन्हीं के अंडों में से बच्चे निकलवाए, वो बच्चे पास रख लें, ये थोड़ी इनकी प्रोडक्शन कम हो जाएगी, इनको बेच दें, इनका अंडा मुर्गियां तैयार करें, मुर्गा उनमें से बेच दें। बिल्कुल, इसका अंडे का साइज देखे ना, जब आप की मुर्गी की उम्र बड़ी होती है ना, उसका वजन अंडे का बड़ा होता है, उसमें जो चूजा निकलता है वो ग्रोथ बहुत अच्छी करता है, जो ए ग्रेड चूजा निकलेगा, बिल्कुल ग्रोथ अच्छी करेगा आपको, तो कहते नहीं चस चूजा रखने का मजा आएगा आपको उसका। अच्छा, सर्दियों में इसके अंडे आप कह रहे हैं बिक जाते हैं, कई लोग खाते हैं, नेचुरल की तरफ आ रहे हैं, तो एक बात ये भी करूंगा कि लोग अंडे वाला बर्गर जो है वो डेली हो सकता है 2-2 खाते हो, और देसी अंडे नहीं खाने, वो लोगों को देखे ना लोगों तक पहुंच नहीं है, लोग तो देखे हमारे पास पता नहीं बेचारे कहां से आते हैं, लोग आते हैं गाड़ियों में रखा के बेचते हैं, लोगों तक पहुंच नहीं होती। अभी लाहौर का एक बंदा मुझे वो कह रहा है कि मुझे 5 पेटियां चाहिए, तो 5 दिन हो गए उसको कहते हुए कि भाई मेरे पास नहीं है, ये देखे ना फिर जिन तक चीज पहुंचेगी नहीं वो तो बेचारे फार्मिंग आएंगे ना फिर। अच्छा, कोई बंदा कोई कम से कम 50 को मुर्गियां अगर पाल ले तो कोई 20-30 हजार कमा लेगा वो साइड बिजनेस? देखे मैं उसने भाई देखे 20-30 हजार वो पहले ही मैंने आपको बताया, मेन मकसद होता है बंदे का कि रिज़्क हलाल वो कमाना चाहिए, अल्लाह ने बरकत डालनी है, 25,000 में भी डाल सकता है आपके, 30,000 में भी डाल सकता है, आप चीन चनाई करके लाख भी कमा लें ना, बरकत कोई नहीं, बरकत अल्लाह ने डालनी है, आपका काम है हक हलाल के तरीके से काम करना, मेहनत से काम करना, आपको महीने का 25,000 भी आ रहा है ना, मेरे एक नहीं काफी कस्टमर है जिनके पास, किसी के पास 75 मुर्गियां है, किसी के पास 60 मुर्गी है, किसी के पास 70 मुर्गी है, उनका कहेंगे सोना निजाम चल रहा है। अच्छा, अगर कोई बंदा मुर्गियां रख लेता है तो अक्सर ना लोगों की मुर्गियां मरती बहुत है, बीमारी बहुत ज्यादा आती है, तो आपकी माशाल्लाह मुर्गियां बड़ी सेहतमंद है, बड़ी इनकी चमक दमक है, और ऊपर से सर्दियां भी हैं, तो कैसे बचाते हैं? देखे लोग रखते हैं ना उसको देते हैं तो वो कहते हैं ना हीट कमरे के अंदर, बड़ी मुर्गियां ना इसको हीट की जरूरत नहीं है, अब मुर्गी के पैर बच गए तो सारी बच गई, जब इसके पैर गर्म ठंडे हुए तो समझे मुर्गी की, कम से कम आप लोग ले जाते हैं मुर्गी खुली कमरे में छोड़ देते हैं, यार इस मौसम में आप 10 मिनट पैर नीचे रख के खड़े हो तो आपके सर में सर्दी चढ़ जाएगी। सही बात है, मुर्गी का देखें हमने, आप तो उठा के देखेंगे इतना तो नीचे डाला हुआ है, ये देखें ये तो डाला हुआ है, बैठने के लिए बांस है, फिर उसके बाद हम इनको
समझ लें कि प्याज का पानी देते हैं, उसके बाद लहसुन का पानी देते हैं, उसके बाद हल्दी देते हैं, इस तरह की ऑर्गेनिक चीजें देते हैं इसको, साथ में एंटीबायोटिक कोई भी आप साथ में चलाते रहते हैं। और मौसम बड़ा असरअंदाज है आजकल, आपको पता है जितनी पीक पे सर्दी चल रही है, बड़े बड़े फार्मर रो रहे हैं कि हमारी जो है ना प्रोडक्शन डाउन हो गई है। हमने साथ में देखे, एक साइड पे मवेशी बांध देते हैं, एक साइड पे अपना फार्म छोटा सिस्टम रखा हुआ है, हीट बना के रखते हैं। अच्छा साहब, अगर किसी को मुर्गियां चाहिए हो तो ये आप सेल भी कर देते हैं कि नहीं? मुर्गियां सेल कर देंगे, चले कोई आपके चैनल से आएगा तो किसी को थोड़ी बहुत ही, अगर इन्हीं में से आपके ब्रीडरों में से किसी को चाहिए, को बड़ा जिसको चाहिए ना 400-500 हो तो बिल्कुल भी ना रابطہ करे, जिसको घर के लिए और सबर तमल वाला बंदा हो उसको चले 10-20 चाहिए होगी तो देते रहेंगे बीच में। अच्छा, अगर आपकी कंप्लेन आई तो हमने आपका नंबर फिर बंद कर देना, कंप्लेन नहीं आनी चाहिए। कंप्लेन कोई प्रूफ के साथ देगा तो देगा, प्रूफ के साथ ऐसे मुंह उठा के नीचे कमेंट कर दे वो तो कहीं। असल में सुनहान भाई ये देखे ना, मुर्गी इधर है, इसका टेम्परेचर देखे क्या है, मुर्गी टोकरियों में डाल के अड्डे पे लेके जानी है, अड्डे से बस में रखवानी है, फिर आगे से उसने पता नहीं क्या सलूक करना है। नहीं नहीं, अगले के घर पहुंच के अंडा दे रही है नहीं दे रही वो एक अलग, हाँ किसी के पैसे आए हैं किसी को आप तंग, वो तो आपको देखें 8 साल से काम कर रहे हैं यार, अगर करते होते तो नंबर कब का बंद हो जाता है। ठीक है जी दोस्तों, यही बात पूछने वाली थी कि आप अगर इन पे ट्रस्ट करते हैं तो हम बैठे हैं, अगर ये आपके ट्रस्ट को बहाल नहीं रखते हम बैठे हैं, हमारा नंबर आपके पास है, आप हमें मैसेज कीजिए, इंशाल्लाह आपके मसले को सॉर्ट आउट भी करवाएंगे। और राणा साहब को मैं तकरीबन 5-6 साल से जानता हूँ, बहुत अच्छे ये जो बंदे हैं, बाकी गलत कमेंट करने वाले नीचे हो सकता है आ भी जाएं। तो इसी के साथ हमें इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।